हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आन पढ़ाई पर। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक और वीडियो आपके सामने आया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिशूर पूसम किस राज्य का त्यौहार है? बताइए दोस्तों, त्रिशूर पूसम किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, तमिलनाडु का, या जम्मू कश्मीर, केरल, या तेलंगाना का? दोस्तों, यदि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक त्यौहार है ट्यूलिप त्यौहार, और कभी कभी ये पूछ लेता भी दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, यदि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, और केरल की बात करें तो केरल में दोस्तों त्रिशूर पूसम त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, यदि तेलंगाना की बात करें हम लोग तो तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, जिसे बथुकम्मा त्यौहार को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, एक और त्यौहार है तेलंगाना में, मेदराम यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो तेलंगाना में ही मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि असत्य को पहचानिए। बताइए दोस्तों, चार विकल्प में कौन सा है जो असत्य है, गलत है? दोस्तों बताइए, हुसैन सागर झील तेलंगाना, एकदम सही है दोस्तों। हुसैन सागर पूछ लेता, हुसैन सागर की झील की आकृति कैसी है? तो हृदय की आकृति की है दोस्तों हुसैन सागर झील। लोकटक झील मणिपुर में, बहुत ही सही एकदम दोस्तों। और इसी लोकटक झील के किनारे दोस्तों आप जानते हो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। चिल्का झील उड़ीसा में दोस्तों, खारे पानी की झील है चिल्का झील। कोलेरू झील केरल, नहीं दोस्तों, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। और केरल में है वेम्बनाड झील, ठीक है ना दोस्तों। केरल में कौन सी झील है? वेम्बनाड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फार्मिकम्ल दोस्तों लाल चींटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कि लाल चींटी में। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका, इंग्लिश में जिसे विनेगर कहते हैं। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? बताइए, सही उत्तर बताइए दोस्तों कि वर्नाकुलर एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? डलहौजी, मिंटो, लिटन, या चेम्सफोर्ड? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति विभगत का सिद्धांत जो दिया गया था, किसने दिया था? डलहौजी ने, ठीक है ना। और कभी कभी प्रश्न पूछता दोस्तों कि वह कौन सा साम्राज्य था जिसे कुशासन के आधार पर डलहौजी ने हड़प लिया था? तो वो था दोस्तों अवध। अवध को कुशासन के आधार पर इसने क्या कर लिया था? हड़प लिया था। मिंटो की बात करें दोस्तों, मिंटो के समय 1909 का अधिनियम आया था। मिंटो के समय क्या आया था? 1909 का अधिनियम आया था, ठीक है ना दोस्तों। और इससे संबंधित दोस्तों बात की जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी के अंतर्गत, इसी के अधिवेशन के अंतर्गत आई थी। 1909 का जो अधिवेशन था, इसी के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी। चलिए अगला है लिटन। लिटन के बारे में आपको बता दें दोस्तों, लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण, मतलब कि इसी के दौरान वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है लिटन के ही समय पर आया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिटन कब आया था दोस्तों? 1878 ईस्वी में। कब आया था? 1878 ईस्वी में। यदि दोस्तों चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड के समय 1919 का अधिनियम आया था। इसी समय क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। चौरी चौरा की घटना भी किसके समय हुई थी? चेम्सफोर्ड के समय हुई थी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिटन। क्या ना हो जाएगा? लिटन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वीरेंद्र कुमार पठानिया को किस बल का महानिदेशक बनाया गया? असम राइफल, BSF, भारतीय तटरक्षक बल, या CRPF का? सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? दोस्तों यदि असम राइफल की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर शिलांग, मेघालय के शिलांग में है, और इसके इस समय जो हेड हैं दोस्तों उनका नाम है प्रदीप चंद्रन नैयर। क्या नाम है इनका? प्रदीप चंद्रन नैयर। BSF जानते हैं दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके इस समय हेड कौन है? पंकज कुमार सिंह। इनका क्या नाम है दोस्तों? पंकज कुमार सिंह, ठीक है ना दोस्तों। और वीरेंद्र कुमार पठानिया जो हैं दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के क्या हैं? महा
निदेशक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सीआरपीएफ की बात की जाए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके हेड हैं दोस्तों कुलदीप सिंह। इसके हेड कौन है? कुलदीप सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वीरेंद्र कुमार पठानिया किसके हैं? भारतीय तटरक्षक बल के हैं, महानिदेशक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका महाद्वीप? बताइए दोस्तों, कौन से महाद्वीप में एटलस पर्वतमाला स्थित है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही फेमस पर्वतमाला है इंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया में एक चोटी है दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रिज पर्वतमाला। इसको पूछ लेता है ग्रेट डिवाइडिंग रिज पर्वतमाला कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो राकिच पर्वत है, अपलेसियन पर्वत है। अपलेसियन पर्वत दोस्तों उत्तरी अमेरिका के किस देश में है? तो यूएसए में है। और जो यहाँ का राकिच पर्वत है, क्या है? राकिच पर्वत, ये यूएसए और कनाडा में है, ठीक है ना दोस्तों। और एटलस पर्वतमाला दोस्तों कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ की सबसे ऊँची चोटी है माउंट किली मंजारो। उसका क्या नाम है दोस्तों सबसे ऊँची चोटी का? माउंट किली मंजारो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। दोस्तों कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वही गन्ना का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसको ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी और गन्ना दोनों एक ही जगह हैं, तो दो प्रश्न के उत्तर इसमें मिलने वाले हैं कि कॉफ़ी या गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्यूबा की बात करें दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों चीनी का कटोरा। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। क्यूबा की राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी हवाना है। यूएसए की बात की जाए तो दोस्तों यूएसए जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है मक्का का। यहाँ पर मक्का सबसे ज़्यादा उपज किया जाता है। यूएसए की राजधानी सबको पता है वाशिंगटन डीसी है। ब्राज़ील की बात करें दोस्तों, ब्राज़ील जो हो जाएगा कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, और यही ब्राज़ील जो है गन्ना का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील में ही दोस्तों आप जानते हैं अमेजन वर्षा पाई जाती है। अमेजन वर्षा कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में है। और दोस्तों एक चीज़ और आता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? ब्राज़ीलिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लग रही तो लाइक और कमेंट करना एकदम ना भूले दोस्तों। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों। शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारी टीम का हौसला आगे बढ़ता रहे और इससे भी बेहतर वीडियो आपके सामने मिलते रहें। अगला है प्रश्न दोस्तों, कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? बताइए दोस्तों, कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? बताइए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, किसके? भारत और इंग्लैंड, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया या भारत श्रीलंका? चार विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों, सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच। भारत और इंग्लैंड के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो कोंकण। दोस्तों यदि भारत और फ्रांस के बीच जाए तो यहाँ पर शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। क्या होता है? शक्ति युद्ध अभ्यास। और दोस्तों इंडोनेशिया और भारत की बात की जाए तो इसके होता है गरुण शक्ति। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, शक्ति कहाँ है? फ्रांस। और गरुण शक्ति कहाँ की है? गरुण शक्ति दोस्तों है इंडोनेशिया की। और दोस्तों यदि मित्र शक्ति की बात कर दी जाए, मित्र शक्ति की, तो मित्र शक्ति है दोस्तों भारत और श्रीलंका की, जो ऑप्शन नंबर डी में है। शक्ति जो युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच है। गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच है। भारत और श्रीलंका बीच कौन सा है? मित्र शक्ति। और कोंकण युद्धाभ्यास दोस्तों किसके बीच है? भारत और यूके के बीच, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना दोस्तों। और गोवा के तट को दोस्तों कोंकण कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह नेवी की एक्सरसाइज है। कोंकण जो शक्ति है किसकी एक्सरसाइज है? तो नेवी की है दोस्तों। गोवा के तट को दोस्तों आप लोग जानते हैं कोंकण कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। गोवा की राजधानी दोस्तों कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो गोवा की राजधानी है पणजी में। गोवा एक पहला ऐसा राज्य है दोस्तों जो रेबीज मुक्त राज्य है। और गोवा में ही एक और प्रश्न पूछ जाता है कि हर हर घर जल वाला राज्य बताइए, तो भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गोवा ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की नवीनतम विश्व धरोहर कौन है? बताइए, धौलावीरा, रामप्पा मंदिर, एलिफेंटा गुफाएँ या जयपुर सिटी? बताइए दोस्तों, जयपुर सिटी को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों आपको पता है महाराष्ट्र में है। कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। और बताइए, धौलावीरा या रामप्पा मंदिर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? धौलावीरा।
40वें नंबर की ये विश्व धरोहर दोस्तों, और इससे पहले जो हुई थी 39वें नंबर की विश्व धरोहर वो कौन है, रामप्पा मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है बताइए दोस्तों। शशि थरूर की है, अमर्त्य सेन की है, गीतांजलि श्री की है या अरुंधति राय की है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों शशि थरूर की बहुत ही फेमस पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। कौन पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है, शशि थरूर की है दोस्तों। अमर्त्य सेन की बात की जाए दोस्तों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, अमर्त्य सेन की है। गीतांजलि श्री की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही फेमस पुस्तक रेत की समाधि, एक पुस्तक है रेत की समाधि किसकी है दोस्तों, गीतांजलि की है। इसीलिए इन्हें अभी क्या मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। प्रश्न पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गीतांजलि श्री को मिला है रेत की समाधि पुस्तक के लिए। अरुंधति राय की बात की जाए दोस्तों तो इनका है स्मॉल गॉड ऑफ थिंग, इनकी एक पुस्तक है स्मॉल गॉड ऑफ थिंग। क्या है पुस्तक, स्मॉल गॉड ऑफ थिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा होम इन द वर्ल्ड किसकी है, अमर्त्य सेन के। गीतांजलि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, और एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ बताइए दोस्तों, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ, मुंबई, कोलंबो, दिल्ली या दुबई। सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, सबको पता है दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। कोलंबो की बात की जाए दोस्तों तो कोलंबो में एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है, जिसके हेड कौन है, जैसा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल मुख्यालय कहाँ है, कोलंबो में है, और उसके हेड कौन है, जैसा है। दुबई में दोस्तों आपको पता है कि दुबई में कौन किसका मुख्यालय है, आईसीसी का। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई, और इस समय आईसीसी के हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। उनका क्या नाम है दोस्तों, ग्रेग बर्कले, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है बताइए, जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में। बताइए दोस्तों सही उत्तर, लद्दाख में दोस्तों आपको पता है लद्दाख में फोटुला दर्रा है। लद्दाख में कौन सा दर्रा है दोस्तों, लद्दाख में है हमारा फोटुला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला व वाड़ालाचा, सिपकिला और वाड़ालाचा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा दर्रा है, बोमडिला का दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बोमडिला का दर्रा। और सिक्किम में दोस्तों क्या हो जाएगा, सिक्किम में है जिलेपला का दर्रा। सिक्किम में एक और दर्रा है दोस्तों, नाथुला का दर्रा। कभी पूछ ले कि नाथुला का दर्रा कहाँ, तो वो भी कहाँ है, सिक्किम में ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है, बहुत ही फेमस है दोस्तों, पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है, रामप्पा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर या कोणार्क का मंदिर। बताइए दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बताइए कहाँ पर है, आपको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये है दोस्तों पुरी में, ठीक है, और उड़ीसा के पुरी में है दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, गंगवंश के शासक थे नरसिंहदेव फर्स्ट, नरसिंहदेव फर्स्ट ने किसका निर्माण किया था, कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे निकल कर आता है दोस्तों कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा मंदिर है, तो उसका उत्तर है क्या, कोणार्क मंदिर। और दोस्तों एक और ही बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 10 रुपये नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो ये इसी कोणार्क मंदिर का चित्र अंकित है। तो बताइए दोस्तों ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोणार्क मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर की बात कर ले दोस्तों, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, इसका निर्माण कराए थे चोल शासक थे राजराज फर्स्ट, उनका क्या नाम था, राजराज फर्स्ट, ये चोल शासक थे जो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, इनका निर्माण कराए थे। और यदि दोस्त हम बात करें कामाख्या देवी मंदिर का, तो असम में है। अंबुबाटी का मेला कहाँ लगता है, असम में लगता है, कामाख्या देवी मंदिर के पास लगता है, कौन सा मेला, अंबुबाटी का मेला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, बताइए सही उत्तर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 185वीं है, 54 है, 136 है या 101 है। सही उत्तर इसका दोस्तों हो जाएगा क्या, 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 101 है दोस्तों। यदि बात करें हम 150वीं रैंक, तो ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, 150वीं रैंक है, ठीक है ना दोस्तों। 54वीं रैंक दोस्तों ट्रेवल एंड टूरिज्म की है, ट्रेवल एंड टूरिज्म में भारत कौन से नंबर पे है, 54वें नंबर पे है।
और हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वें नंबर पे। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है दोस्तों इसमें कौन से नंबर पे है भारत, तो 136, और हंगर इंडेक्स में भारत है 101वें नंबर पर। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है खेल से संबंधित, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से बताइए दोस्तों, टेबल टेनिस से है, बिलियर्ड से है, भाला फेंक से या बैडमिंटन से है। बैडमिंटन के मशहूर खिलाड़ी दोस्तों आपको पता है लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित। दोस्तों भाला फेंक की बात कर ले दोस्तों, भाला फेंक में कौन है, देवेंद्र झाझड़िया, दिव्यांग खिलाड़ी, भाला फेंक से संबंधित है। और एक बहुत ही फेमस नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन और कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों यदि टेबल टेनिस की बात की जाए, टेबल टेनिस की बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं मानिका बत्रा, और पंकज आडवाणी दोस्तों किससे संबंधित है, बिलियर्ड्स से। बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है कौन, पंकज आडवाणी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन, दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है बताइए दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है। मान लीजिए ग्लोब है दोस्तों, ग्लोब तो एकदम गोल सा होता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, छोटी सी स्क्रीन है इसलिए यहाँ पे सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि ये देखिए जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं दोस्तों, अक्षांश। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको दोस्तों। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और दोस्तों ये जो उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में एक अक्षांश है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तरी दिशा में कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश, साउथ पोल में क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है मकर रेखा दोस्तों। और दोस्तों ये वाली जो रेखा है ये क्या है, ये देशांतर रेखा, इसको ध्यान रखिएगा, ये रेखा क्या है दोस्तों, देशांतर रेखा। दोस्तों प्रश्न कभी आपसे ये पूछ ले कि बताइए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपको बता दें दोस्तों सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है दोस्तों। चाहे साउथ पोल में नीचे की तरफ जाएं एकदम, या नॉर्थ पोल में ऊपर की तरफ जाएं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेखाएं क्या होती जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न पूछा है दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 111 किलोमीटर, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बताइए और कभी पूछ ले दोस्तों आपसे कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं दोस्तों जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके जाती हैं, ये कौन सी एक रेखा है, ती है देशांतर रेखाएं। पूछ ले आपसे दोस्तों कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं क्या हैं देशांतर हैं, ये वाली रेखा क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल दोस्तों अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360, कुल कितनी रेखाएं हैं, 360 रेखाएं हैं। और दोस्तों यदि पूछ ले ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं, आपको बता दें दोस्तों कि ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश हैं। दोस्तों ये ग्लोब आपके सामने है तो ये जो रेखा है क्या है, ये 0 डिग्री, इसके ऊपर हम चलेंगे 1, 2, 3 करते हुए लास्ट में पहुंचेंगे तो 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। उसी तरीके दोस्तों 1, 2 करते हुए क्या होगा, लास्ट में यहाँ पोल पर जब हम पहुँचेंगे दक्षिणी ध्रुव पर, तो यहाँ पर 90 यानी कि 90 90 कितना हो जाएगा, 180। और 1 शून्य अंश जो भूमध्य रेखा है इसको मिलाकर कुल कितना हो जाएगा, 181। तो दोस्तों ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश से पूछ ले यदि, तो 181। और दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन यदि घुमा दे, पूछ ले कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो बताइए दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर दोस्तों 181 नहीं होगा। दोस्तों देखिए ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये भी एक अक्षांश है, ये भी अक्षांश है, लेकिन यहाँ दोस्तों ये क्या पोल है, ये ध्रुव है, ये रेखा नहीं है, लेकिन ये अक्षांश है। तो क्या हो जाएंगी, 181 टोटल अक्षांश तो हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो पूछ ले कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 179। इसको ध्यान रखिएगा, यदि ग्लोब पर पूछे कितने अक्षांश है तो 181, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो 179, और देशांतर रेखाओं की पूछे दोस्तों कितनी हैं तो 360। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक और प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों कि ये जो अक्षांश के बीच, दो अक्षांश जैसे आपके सामने हैं यहाँ पर दो अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके बीच की ये जो जगह है इसको क्या कहा जाता है, और देशांतर के बीच जो ये है इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अक्षांश के बीच को हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं।
अक्षांश के बीच को क्या कहते हैं? जोन। और देशांतर के बीच को क्या कहते हैं? गोर। क्या कहते हैं? गोर। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा, मकर रेखा यानी कि दक्षिणी पोल जो 23.5 सन दक्षिणी ध्रुव में है उसे मकर रेखा कहते हैं। बताइए कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्पोपे नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? लिम्पोपे नदी। और उसी तरीके से यदि पूछ ले कि कर्क रेखा को बताइए कौन सी नदी दो बार काटती है, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि मेथेन गैस कहाँ नहीं पाई जाती है। बताइए दोस्तों, पूछता है मेथेन गैस कहाँ पाई जाती है, कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों मेथेन गैस कहाँ नहीं पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, एलपीजी में, सीएनजी में, मंगल ग्रह पर या बायोगैस पर? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मंगल ग्रह पर मेथेन गैस पाई जाती है। मैंने आपको साफ साफ बताया था मेथेन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये मैंने बताया था आपको। तो कहाँ? मंगल ग्रह पर पाई जाती है, धान के खेत में पाई जाती है, दलदली स्थानों पर, आर्द्र भूमि के जो स्थान हैं वहाँ भी मंगल ग्रह, वहाँ भी मेथेन गैस पाई जाती है। बायोगैस में भी दोस्तों मेथेन गैस पाई जाती है। और दोस्तों सीएनजी में भी क्या पाई जाती है? सीएनजी में भी मेथेन गैस पाई जाती है। और एलपीजी में बताइए दोस्तों, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये इसमें दोस्तों बीपी, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है ना दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मेथेन गैस कहाँ पाई जाती है, एक और उत्तर आपको मैं बता दूं कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वहाँ भी क्या पाए, जो पशु जो जुगाली करते हैं बैठ कर या खड़े होकर, वहाँ से भी क्या मिलती है? मेथेन गैस निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए 24 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है या 20 मार्च को मनाया जाता है? सही उत्तर बताइए। दोस्तों आपको पता है 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस, जो एक रोग है टीवी, क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को। 22 मार्च को दोस्तों आपको पता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? विश्व जल दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को दोस्तों विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, और दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस। इसी दिन क्या है? हैप्पीनेस डे भी इसी दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ है? मनीला की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था मनीला में किसका मुख्यालय है, तो ADB का, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। काठमांडू में दोस्तों किसका मुख्यालय है? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय, यानी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस में दोस्तों इंटरपोल का है, पेरिस में किसका मुख्यालय है? इंटरपोल का। काहिरा में दोस्तों किसका मुख्यालय? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? काहिरा में है दोस्तों। वीडियो दोस्तों यदि अच्छी लग रही तो लाइक और कमेंट करना एकदम ना भूलें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपके पास इससे शानदार वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचते रहे, और बेल आइकन को दबाना दोस्तों ना भूलें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।